मुंबई में एक बार फिर मजदूरों का पलायन होना प्रारंभ हो चुका है। कोरोना महामारी में आए दिन इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा भी हो सकती है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी गुजर बसर करने वाले मजदूर भय के साए में हैं, इसलिए पहले से ही अपने अपने गांव जाने को तैयार हो चुके हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में यात्रियों की सेवा करने के लिए युवा छात्र संघ नामक संस्था सबसे पहले से ही यात्रियों की सेवा करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी क्रम में युवा छात्र संघ स्टेशन के बाहर कैंप लगाकर 3000 यात्रियों को प्रतिदिन पानी वितरण कर रहा है। यदि युवा छात्र संघ के अध्यक्ष संदीप पांडे व समाज सेवक धनंजय मिश्रा की माने तो जल ही जीवन है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से और बढ़ रहे कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण लॉकडाउन होने की संभावना के कारण मजदूर मुंबई से पलायन कर रहे हैं, जिसके लिए युवा छात्र संघ भी यात्रियों की सेवा करने के लिए तत्पर है। तारीख से जब से राज्य सरकार ने सैटरडे संडे टोटली लॉकडाउन का जो आदेश दिया है, उसके बाद से जो भी उत्तर भारत के लोग हैं, चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के हों, उन्हें ऐसा लगता है कि पिछले साल की तरह इस साल भी उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन हो जाएगा, तो उस डर के नाते वो पहले ही चाहते हैं कि अपने घर पहुँच जाएँ। और जिस तरह से कुर्ला टर्मिनल की हालत देखेंगे आप या राज्य के किसी भी स्टेशनों की हालत देखेंगे तो वहाँ पर एक बड़े से बड़े तादाद में भीड़ इकट्ठा है और जिनका रिजर्वेशन टिकट है उनको ही स्टेशन के अंदर लिया जा रहा है, और जो लोग रिजर्वेशन जिनका नहीं है, जो चालू डब्बे में यात्रा करते हैं या जो बिना टिकट यात्रा करते हैं, उन्हें बाहर रोककर स्पेशल ट्रेनें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुँचाने का जिम्मा महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने लिया है। तो हमारे संस्था के माध्यम से हमसे जो बन पनता है, लगभग 10 से 15 दिन हम यहाँ कुर्ला टर्मिनल पर रोज़ 2-5 हज़ार लोगों को पानी की व्यवस्था अरेंज करके देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी और परिस्थिति बिगड़ी तो उनको खाने की व्यवस्था भी हमारे संस्था के माध्यम से हम करके देंगे। मेरा नाम धनंजय मिश्रा है और संदीप जी के माध्यम से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, युवा छात्र संघ से। और अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पे युवा छात्र संघ के हैं आप, आपने देखा होगा हजारों की संख्या में लोगों में कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर डर है। जी जी, तो आज आपके अंदर आपने जो देखा लोगों में एक डर है, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन को लेकर भारी संख्या में आप देखेंगे तो लोग? देखिए, महाराष्ट्र में ज़्यादा करके बाहर से लोग आए हुए हैं और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पिछले साल से काफ़ी लोग डरे हुए हैं। लोगों को जैसे भैया ने बताया कि पिछले साल जैसा लॉकडाउन हुआ तो लोगों की विचारधारा है कि अभी भी हो जाएगा, तो जितना जल्दी हम लोग जा सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं, तो इस तरह का नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के जो मन में का डर, वो बाहर नहीं आ रहा है, वो उसी डर से चलते जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अगर छात्र संघ के माध्यम से हम लोग जो लोगों की सहायता करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाएँ भी लोगों हम लोग से जुड़ के भैया के माध्यम से हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं। आजच्या कार्यक्रमाबद्दल आम्ही हेच म्हणणार आहे की आता जे लोक गावी चाललेले आहेत त्यांच्यासाठी तर आम्ही आता पाण्याच्या पॅकेटपासून सुरुवात केलेली आहे। पुढे जाऊन जसं जसं आता हे वाढत जाईल तसं अजून पण आमचे काही प्रयत्न असतील, जसं फूडचं पॅकेज असेल, हे सर्व पण आम्ही डिस्ट्रीब्यूट करायचा विचार केलेला आहे।